साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, भारत एक विचार, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। हमारी ये राष्ट्र हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से, हमारी चेतनाओं से, हमारे प्रयासों से हम सबसे मिलकर ही बनता है। और इसकी बहुत बड़ी ताकत भारत की विविधता है। इतनी बोलियां, इतनी भाषाएं, अलग अलग तरह के परिधान, खान पान, रीति रिवाज, मान्यताएं, ये किसी और देश में मिलना मुश्किल है। हमारे वेद वाक्यों में भी कहा गया है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथो कसम, सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मैं दुहा ध्रुवेव धनुरन प्रस्फुरंती। अर्थात हमारी ये मातृभूमि, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग आचार विचार व्यवहार वाले लोगों को एक घर के समान धारण करती है। इसलिए हमारी ये विविधता ही हमारा अस्तित्व है। इस विविधता में एकता को जीवंत रखना ही राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। हमें याद रखना है कि हम एक हैं तो हम अपराजेय है, हम एक हैं तो हम असाधारण है, हम एक हैं तो हम अद्वितीय है। लेकिन साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि भारत की ये एकता, ये ताकत दूसरों को खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। हमारी इस विविधता को आधार बनाकर वो एक दूसरे के बीच खाई बनाना चाहते हैं। ऐसी ताकतों को पहचानना जरूरी है। ऐसी ताकतों से हर भारतीय को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आज यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी।
और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा, मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई हैं, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं? पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। साथियों, हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम सभी के लिए अगर सर्वोच्च कोई बात है तो वो है सर्वोच्च हित, देश हित। सर्वोच्च हित, देश हित। जब हम सबका हित सोचेंगे तभी हमारी भी प्रगति होगी, तभी हमारी भी उन्नति होगी।